आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू एलिय्याह है, उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है, उसने उत्तर दिया नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है, उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिय्याह और न वह भविष्यद्वक्ता है तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंध मैं खोलने की योग्य नहीं। ये बातें यर्दन के पार बैतनिय्याह में हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए।
यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पत्रस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पत्रस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पत्रस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनीएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनीएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनीएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। नतनीएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनीएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे।